मध्य प्रदेश भाजपा कभी दावों के उरूस पर थी गुरु, लेकिन ऑफ ये क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ साहब, जो कैलकुलेशन ही बदल गई। मतलब शाह साहब 200 पार वाले नारे से थोड़ा नीचे उतरकर 150 सीट वाले आंकड़े पर आकर रुक गए। 150 सीटों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। मध्य प्रदेश में चुनावी परिणाम क्या होंगे साहब, ऑफ बताना किसी के बूते की बात ही नहीं। बस अपना अपना गुणा भाग है और अटकलों का बाजार गर्म। चंद माह पहले तक सत्ताधारी दल पूरी तरह से हिला हुआ था, है ना। एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ पार्टी के अंदर बढ़ती गुटबाजी और फैले पसरे हालातों को लेकर पतले समीकरणों के बीच भी नारा और आशा 200 पार ही थी। शाह बाबू आए, कई अन्य बड़े नेताओं को नई भूमिका में लाया गया। सीएम शिव बाबू ने भी अपनी आंटी से लाडली बहना योजना सहित कई अन्य धनाधन घोषणाएं दागी। मतलब हालात सुधरे, लेकिन सीट का आकलन 200 से घटकर 150 पर आकर अटक गया। साफ है भाई, शाह बाबू सक्रिय हुए हैं और पूरी टीम के साथ नस से लेकर नाड़ी तक टटोल रहे हैं। ऐसे में असल हालात बेहतर जानते हैं, सभी दावों को एक सीमा तक ही समेट कर रखने में समझदारी मान रहे हैं। दावे से कहने आया हूँ, आप और करप्शन नाथ दोनों सुन लो। जब 25 सितंबर को ये हमारी जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त होगी, उसी दिन तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अगली बार 150 सीटों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। दरअसल शाह बाबू का मंडला आगमन हुआ था, जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने मौका था तो बरसे, और खूब बरसे मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं पर, लेकिन साथ ही अपना जीत का आंकड़ा भी बता दिया। मतलब भैया, भाजपा ने असल स्थिति को न सिर्फ समझा है बल्कि सार्वजनिक तौर पर मानना भी शुरू कर दिया है। बाकी धीरे धीरे कुछ और बेपर्दा होगा, लेकिन वक्त के साथ। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।